नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। असम के सबसे लंबे फ्लाईओवर का अगले हफ्ते होगा उद्घाटन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आधी रात को किया निरीक्षण। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आधी रात को राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस फ्लाईओवर को अगले हफ्ते जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री असम की राजधानी गुवाहाटी के मालेगांव इलाके में गए, जहां फ्लाईओवर के अंतिम चरण का काम चल रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शीर्ष सरकारी अधिकारियों की एक टीम और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी भी थे। आपको बता दें कि यह 833 मीटर लंबा रेलवे फ्लाईओवर है और पूरे पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला फ्लाईओवर है, क्योंकि इसमें दो ओवरपास के साथ साथ इसके नीचे एक खेल परिसर भी शामिल है। स्थानीय ठेकेदार द्वारा निर्मित और बैडमिंटन एसोसिएशन को समर्पित खेल परिसर शहरी स्थान का यथासंभव कुशलतापूर्वक उपयोग करने का एक आदर्श उदाहरण है। मालूम हो कि परिसर में रोशनी और बैठने की सुविधा भी होगी, ताकि युवा एथलीट अपने स्किल का विकास कर सके। युवा क्षमता को प्रेरित करने के लिए स्तंभों और दीवारों पर प्रसिद्ध एथलीटों के चित्र भी बनाए गए हैं। उद्घाटन के बाद यह गुवाहाटी में सातवां रोड फ्लाईओवर होगा। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।